नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं फिर से आप सबके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं मिक्स वेज पालक कढ़ी बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने लिए हैं आलू, गोभी, मटर, टमाटर, प्याज और पालक। सभी सब्जियों को खूब अच्छी तरह से धो लेना है। मैंने पालक को भी खूब अच्छी तरह से धो लिया है और सभी सब्जियों को धोकर रख लिया है और अब इसे काट लेना है। आलू ठंडी के सीजन में नहीं आती है, तो इसके जो छिलके होते हैं वो बहुत ही आराम से छुरी से ही उतर जाते हैं। गोभी को भी अच्छी तरह से धो लेना है, धोकर काटना है। इसके अंदर कभी कभी कीड़े निकल जाते हैं, लेकिन इस मौसम में जो गोभी आती है वो सीजनल होती है, उसमें कीड़े जल्दी नहीं मिलते, फिर भी चेक कर लेना है। अदरक, हरी मिर्च और लहसुन, इसके पेस्ट बनाने हैं। गरम मसाला में मैंने लिए हैं लौंग, हरी इलायची और दालचीनी के पाउडर। चाहिए तो दालचीनी साबुत डाल सकते हैं, 1 इंच का टुकड़ा। तड़के के लिए मैंने लिए हैं लाल मिर्च, तेज पत्ता, जीरा और मेथी, और मैं इसमें डालने वाली हूँ धनिया का पाउडर, हल्दी, नमक, और मैं ये सब्ज़ी तेल में बनाने वाली हूँ इसलिए मैंने सरसों का तेल लिया है, और हरे धनिया की पत्ती की ज़रूरत होगी। सबसे पहले कढ़ी तैयार करने के लिए पालक को मैं थोड़ा ब्लांच करूँगी। इसके लिए मैंने पानी को गर्म होने चढ़ा दिया है, इसे बॉईल कर लेती हूँ। पालक को थोड़े मोटे पीसेस में काट लेंगे। इसे बॉईल करना है बस 1 मिनट के लिए, गर्म पानी में, खौलते हुए पानी में डालकर, और इसे ब्लांच कर लेना है, बॉईल कर लेना है। तो ये आराम से पिस जाएगी और पेस्ट बन जाएगी। वैसे तो कच्चे की भी पेस्ट बन जाती है। बस इस तरह से इसे थोड़े मोटे काट लेंगे और इसे पानी के बॉयल होते ही उसमें डाल दूंगी। आजकल नए आलू आते हैं तो इसे इस छुरी से ही छील लेते हैं, इस तरह से। इसके जो ये मोटे वाले पार्ट होते हैं उससे इस तरह से इसे छील लिया जाता है। बहुत आसानी से नए आलू के छिलके उतर जाते हैं, और अगर आलू पुराना है तो उसे छीलने के लिए पीलर का यूज़ करना पड़ता है। ये देखिए, इस तरह से आलू को छील लेना है। इसे काट लेंगे, जितने बड़े पीस चाहिए उतने बड़े पीस में इसे काट कर रख लेंगे। गोभी को भी जितना बड़ा पीस चाहिए उतने बड़े पीस में काट लेते हैं। इस तरह से गोभी को जितना बड़ा पीस चाहिए काट लेते हैं। देख लेना है गोभी में कीड़े होते हैं, उसे थोड़ा चेक कर लेना है काटने के पहले। इस तरह से गोभी के पीसेस कर लेंगे। अदरक, हरी मिर्च और लहसुन के पेस्ट बना लेंगे। मैंने लहसुन डाल दिए और हरी मिर्च को भी काट कर डाल देंगे। चाहे तो मिर्ची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पेस्ट बना लेने हैं। हरी धनिया की पत्ती को भी थोड़ा बारीक काट कर रख लेना है। मैंने से काट लिए। प्याज को भी काट लेना है। इस तरह से सारे प्याज काट लेंगे। पानी बॉईल हो गई है, इसमें मैं कटे हुए पालक को डाल देती हूँ और बस 1 मिनट के लिए मैं इसे इसमें डाल कर बॉईल करूँगी। इसे 1 मिनट तक बस बॉईल करके और इसे छान लेना है पानी से। थोड़ा सा ढक दे देती हूँ। फिर हो गई है, अब इसे छान लेना है। पूरे पालक के पानी को छान लेना है।
इसे ठंडा होते ही इसे पीस लेंगे। सभी चीज़ों को काट कर तैयार कर लिए हैं। अब कढ़ी बनाना शुरू करती हूँ। कढ़ाई को गर्म होने चढ़ा दिए है, उसमें तेल डाल देती हूँ। 2 से 3 चम्मच तेल डालूँगी, साथ ही मैं इसमें लाल मिर्च, तेज पत्ता सब डाल देती हूँ। मैंने थोड़े से 1/4 चम्मच मेथी और आधी चम्मच जीरा लिए हैं, वो डाल देती हूँ। तड़के में लाल मिर्च डाल देने से सब्जी में एक सूंधापन आ जाता है। मैं इसमें लौंग डाल देती हूँ। अब गोभी डाल देती हूँ, थोड़ा गोभी से भून लेंगे। करीब 250 ग्राम गोभी है, इसमें मैं 3 प्याज डालूंगी, 1 इंच का टुकड़ा अदरक, 2 से 3 हरी मिर्च ले सकते हैं, तीखा अपने अनुसार डालना है, और मैंने 8 से 10 लहसुन पीस लिए हुए हैं। इसे थोड़ा भून लेंगे, तब इसमें प्याज डालेंगे। ये भून गई है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है इसे, और इसमें प्याज डाल देते हैं। इतना भूनना है कि गोभी का कच्चापन दूर हो जाए और थोड़ी सी सुनहरी भी हो जाती है। चाहे तो गोभी को निकाल भी सकते हैं और फिर प्याज को भूनिए। हरी इलायची को मैं थोड़ा कूट लूँगी इसमें डालकर। देखिए मैंने इसका पाउडर बना दिया है, ये सब्जी में डालूँगी। जैसे ही प्याज थोड़ी भून जाए, थोड़ा कलर चेंज कर देती है, इसमें आलू डालूँगी, मटर डालूँगी, अगर मेरा वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थोड़ी भून गई है, अब इसमें मैं मटर डाल देती हूँ, इसमें आलू भी डाल देती हूँ। थोड़ा भून लेना है। अब इसमें मसाले डाल देते हैं। मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, इसमें हल्दी बहुत थोड़ी डालने की ज़रूरत है क्योंकि पालक हल्दी का कलर आने ही नहीं देगी, और 1 चम्मच धनिया का पाउडर लिया है। इन सबको मिक्स करूँगी और मैं इसमें 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल देती हूँ। 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर है, वो भी इसमें मिक्स करके, और इसे मैं 2 चम्मच पानी डालकर घोल लेती हूँ और इसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, पेस्ट बना देना है। साथ ही साथ दालचीनी का और इलायची का जो पाउडर है वो भी इसमें मिक्स कर देना है। और अब मैं डाल देती हूँ सब्जी में लहसुन अदरक और हरी मिर्च का, मैंने थोड़ा मोटा ही पेस्ट बनाया है, उसे सब्जी में डाल देती हूँ। और अब इसे अच्छी तरह से सब्जी को भूनना है।
मैंने जो दो टमाटर लिए हैं इसमें साथ में डाल देती हूँ, सब्जी भूनती जाएगी और ये भी थोड़ा पक जाएगी। साथ ही साथ मैं इसमें मसाले को जो घोल के रखा है वो इसमें डाल देती हूँ। मसाले को घोल कर रखने से मसाला बहुत अच्छी तरह से सब्जी में मिक्स हो जाती है, इसलिए जब भी पाउडर मसाला डालें तो थोड़ा सा पानी में घोल दें और तब उसे सब्जी में डालें। सब्जी को खूब अच्छी तरह से थोड़ा भून लेना है ताकि मसाले भी भून जाए और सब्जी भी भून जाए। पालक को पीसकर पेस्ट बना लेना है। मैंने पालक के पेस्ट बना लिए हैं, इसे सब्जी में डाल देती हूँ। टमाटर को निकाल लेना है, ये थोड़ी पक चुकी है, इसमें पालक के पेस्ट को ऐड कर देना। और अब मैं इसे पतीले में पलट देती हूँ। टमाटर मैं सबसे लास्ट में डाल दूंगी, इसमें थोड़ा पानी डालकर और इस पानी को भी सब्जी के साथ मिक्स कर दूंगी। जितनी भी पॉट में पालक लगी रह जाती है उसमें पानी डालकर इसमें डाल देना है और अब इसे पकने के लिए छोड़ देना है। सब्जी पक जानी चाहिए अच्छी तरह से। पालक सब्जी को बहुत जल्दी पकाती है। कुछ लोग पालक में टमाटर नहीं डालते हैं, मैंने भी सुना है कि पालक में टमाटर डाल देने से स्टोन होती है पेट में, लेकिन सभी को नहीं होती। जिनकी उस तरह की शरीर होती है उनको ही होती है, इसलिए सबको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो हमेशा इसमें टमाटर डाल के बनाती हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए अगर चाहे तो टमाटर डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डालें। मैं इसमें टमाटर डालूंगी, उसके भी पेस्ट बना लेती हूँ। टमाटर के मैंने पीसेस कर लिए हैं, इसे भी इसमें ही डालकर और इसके पेस्ट बना लेते हैं। पालक को जब बॉईल किया था तो पानी, जिस पानी में बॉईल किया था वही पानी मैं कढ़ी में डाल देती हूँ। इसमें कढ़ी में हाफ लीटर पानी डालकर और इसे पकने छोड़ देती हूँ, क्योंकि कढ़ी तैयार करनी है तो इसमें पानी की तो ज़रूरत होगी। ये बहुत स्वादिष्ट कढ़ी तैयार होती है, बहुत स्वादिष्ट। इसे चावल के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत अच्छी लगती है, मज़ा आ जाती है खाने में। टमाटर के भी पेस्ट बना के रख लिए, इसे लास्ट में डालूँगी। पहले सब्जी को अच्छी तरह से पकने देती हूँ। इस तरह से अच्छी तरह से सब्जी को पका लेना है। ऐसे पालक डालने के बाद सब्जी बहुत जल्दी पक जाती है। आँच को सिम करके और इसे थोड़ा ढक कर आलू और गोभी को अच्छी तरह से पका लेना है, क्योंकि मटर तो बहुत जल्दी पक जाती है, वो तो भूनते भूनते ही पक जाती है। तभी मैं इसे पहले थोड़ा पका लेती हूँ। अब ये सब्जी पक चुकी है, इसे निकाल कर चेक कर लेना है। इसमें से एक आलू एक गोभी वगैरह निकाल लेना है और निकाल कर चेक कर लेना है। देखिए बिल्कुल पक चुकी है, आलू को भी दबा कर देख सकते हैं, ये पकी हुई है। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देना है। अगर टमाटर का पेस्ट पहले डाल देंगे तो सब्जी पकने में तकलीफ़ होती है, देर लग जाती है। पक तो जाती है लेकिन बहुत देर लगती है, इसलिए टमाटर को हमेशा लास्ट में डालें। अब इसे अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए बॉईल कर लूँगी। इसमें टमाटर बिल्कुल ऑप्शनल है, जिनको नहीं डालना है वो बिल्कुल न डालें। बस इसे 2 मिनट बॉईल कर लेना है। ये बिल्कुल तैयार हो गई है, स्टोव को बंद कर देती हूँ और इसमें हरे धनिया की पत्ती डाल देती हूँ। हरे धनिया की पत्ती किसी भी सब्जी का स्वाद बढ़ा देती है। इस तरह से मिक्स वेज पालक कढ़ी तैयार की जाती है। आप भी इसे बनाकर देखें और अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।